हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में HRMS म्यूचुअल ट्रांसफर के ऊपर बहुत बड़ी जानकारी के ऊपर वीडियो लेके आया हूं, जिसको सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे, आप भी परेशान हो जाएंगे कि क्या सच में मेरे साथ भी ऐसा घटना घट सकता है, क्या म्यूचुअल पार्टनर है वो हमें भी धोखा दे सकता है, हमें भी इस रास्ते पे लाके छोड़ सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अभी आपके मन में चल रहा होगा कि ऐसा कौन सा बात है, कौन सा मुद्दा है जो कि अब हमारे म्यूचुअल पार्टनर से सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा, नहीं तो वो हमारे साथ भी धोखा कर सकता है जैसा कि और लोगों के साथ किया है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेट होने का अवसर मिलता है और मैं उत्साह से आपके लिए अपडेट भरी वीडियो लेके आता हूं। तो साथियों, कई दिनों से एक रेलवे एम्प्लॉय का हमारे पास कमेंट आ रहा था, वो उस कमेंट में लिखे थे और हम मुझे बताए थे कि सर, हमने एक एम्प्लॉय के साथ, एक म्यूचुअल पार्टनर के साथ म्यूचुअल की फाइल सबमिट किया हूं, मैं अपने तरफ से फाइल को अपने सुपरवाइजर को फॉरवर्ड किया। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं कि जैसे ही आप फाइल को फॉरवर्ड सुपरवाइजर के पास करते हैं तो वो सुपरवाइजर के पास नहीं जाके आपके एम्प्लॉय 2 के पास जाता है। अब साथियों, जब एम्प्लॉय 2 के पास फाइल गया तो एम्प्लॉय 2 ना तो उसे एक्सेप्ट कर रहा है, ना तो रिजेक्ट कर रहा है, वो बीच मझधार में अपने दोस्त को बांध के रखा है, फंसा के रख दिए हैं। तो साथियों, ऐसे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप दूसरे को परेशान करेंगे, दूसरे को हर्ट करेंगे, तो जो ऊपर बैठा हुआ भगवान है कहीं ना कहीं आपके साथ भी वही न्याय करेंगे जो आप उनके साथ कर रहे हैं। वो तो गॉड गिफ्टेड आपको मिलेगा, जो मिलेगा ही, और आप कहीं ना कहीं एक प्रशासनिक दायरे में रह के उसके साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, एक रेलवे कर्मचारी को आप परेशान कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके साथ भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको म्यूचुअल नहीं कराना है तो आप किसी को अपने बंधन में बांध के नहीं रख सकते हैं। अगर हाँ, आपके साथ कोई परेशानी है तो आप अपने म्यूचुअल पार्टनर को बताएं कि मैं 10 दिन में, 15 दिन में या जो भी है कि मैं कर दूंगा, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस कामों में व्यस्त हूं। लेकिन ये कह के आप नहीं कर रहे हैं, उसका प्रलोभन ले रहे हैं, तो ये गलत है। तो ऐसे कर्मचारी सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर वो सामने वाला एम्प्लॉय अगर वो रेलवे में डिवीजन में कंप्लेन कर देता है के जो अधिकारी महोदय हैं आपके ऊपर एक्शन भी ले सकते हैं और आपको पनिशमेंट भी मिल सकता है। तो साथियों, जो भी म्यूचुअल की ट्रांसफर की फाइल लगाते हैं तो लगाने से पहले आप अपने म्यूचुअल पार्टनर से पूरी तरह से सहमत हो जाएं, संतुष्ट हो जाएं कि क्या ये धोखा तो नहीं दे सकता हमें, और नहीं तो कोशिश करें कि दोनों एम्प्लॉय एक साथ पे बैठें, एक जगह पे बैठें और तुरंत आप फॉर्म सबमिट करें, उसके पास जाए तो उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करवा लें। अगर दूर हैं तो इतना ट्रस्ट रखें कि जितना म्यूचुअल लगाने की हमें जरूरत है उससे कई गुना उसको भी जरूरत है, वो भी चाहता है कि म्यूचुअल की फाइल हमारी भी प्रोसेस में आए और म्यूचुअल लगाएं। तो ये चीज करना आपको जरूरी है, और ऐसे धोखेबाज
म्यूचुअल पार्टनर से आप सतर्क रहें, सावधान रहें, नहीं तो आपका समय के साथ साथ आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का ये काम कर रहे हैं। और मैं अंत में वैसे कर्मचारी से भी कहना चाहता हूं कि आप ऐसा गलती ना करें, किसी के साथ ये काम ना करें जिससे कि आप के वजह से उनको परेशानी का सामना करना पड़ सके। तो साथियों, यही था एक जानकारी जो मुझे बहुत देना ज़रूरी है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको बताएं जो कि अपने आप को ये समझ रहे हैं कि अब तो हमारे पास आया हुआ है, अब मैं करूँगा नहीं करूँगा क्या होगा। तो वो अपने मन से भ्रम को निकाल दें, कभी भी वो संकट में पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अगर नहीं लगाना है तो उनको जवाब दे दें, उनको रिजेक्ट कर दें, वो किसी और पार्टनर के साथ म्यूचुअल ढूंढ के कर लेंगे, लेकिन उसे चीटिंग ना करें। तो साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सतर्क और मोटिवेट करने वाला वीडियो था जो कि और किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। और अगर हमारा वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं साथियों कि वीडियो बात कर लेते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्या हो जाएगा। आप फालतू के चीज़ें, नाच गाने, इंटरटेनमेंट की चीज़ों को भर भर के लाइक और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन हमारे जैसे लोगों को आप साथ नहीं देते हैं जो कि आप लोग के जीवन और लाइफ का एक हिस्सा है, जो कि हम उस तरह के वीडियो आप लोग के बीच में लाने का काम करते हैं। तो प्लीज़ हमारा साथ दें, सपोर्ट करें, तभी मैं आगे आपके लिए कुछ अच्छा करूँगा। तो साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।